लग रहा है जैसे कि जंगल में हम लोग जा रहे हैं, जंगल के बीच में, क्योंकि रोड काफी पतली है और जो पेड़ वगैरह है काफी घने हैं। अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ अपने और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे पीछे दिख रहा पूरा होम थिएटर बना हुआ है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। अभी है शाम का टाइम हुआ है और हम लोग हम दोनों जा रहे हैं टेम्पल। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से सोचते सोचते तो फाइनली आज हमारा मुहूर्त बन गया, तो आज हम जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद टेम्पल। और उसके पहले रास्ते में रुककर हम खरीदेंगे प्रसाद। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर बाद। वैसे हमारे निकलने की टाइमिंग ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ऑफिस टाइम है, हो सकता है कहीं ट्रैफिक मिल जाए और मे भी ना भी मिले क्योंकि शायद ना ही मिले। अभी हो रहा 6:40 तो शायद ना मिले, बट कोई नहीं, अब तो निकल लिए हैं तो जाएंगे भगवान जी के दर्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ और श्री पीछे गए प्रसाद लेने के लिए। इधर इंडियन स्टोर है, वो काली टी शर्ट दिख रही है। मैंने कहा अगर मैं उतरूंगी तो दो चार चीज और देखने लगूंगी, वैसे ही देर हो रही है और देर हो जाएगी। और पीछे कुछ सामान भी मैंने रखा हुआ है पंडित जी को देने के लिए। सो गाइस, श्री आ गए प्रसाद लेकर और अब हम निकलते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रसाद मिलता है? ठीक है, प्रसाद तो तब हो जाएगा, भगवान जी को चढ़ाएंगे हम। मैंने कहा यहाँ पे ऐसे डब्बे में प्रसाद मिलता है। ठीक है, और क्या बंद करें, जो मिले वो अच्छा। चलिए, हाँ आइए। घेवर नहीं था इनके पास, पूछा मैंने। कह रहा है लास्ट ईयर लाए थे, बिका नहीं क्योंकि यहाँ पे असली वाला घेर कोई बनाता नहीं है। कहता है पता नहीं किस चीज से बना रहे थे। अच्छा, तो बिका ही नहीं मेरा, तो हम नहीं लाते यहाँ पे। मालूम है, मैं ना करीब 3-4 सालों से घेवर ढूंढ रही हूँ और मुझे यहाँ सारे इंडियन स्टोर मैंने देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैरीलैंड में जब हम इंडिया जाते हैं तो वो टाइम होता नहीं है घेवर का, जून जुलाई अगस्त तक मिल जाता है, यही तीज और रक्षाबंधन जो भी फेस्टिवल टाइम होता है। धूप लग रही तो खैर कोई नहीं। आटे का बनता है, कह रहा था आटे का बनता है, पता नहीं जब मैं बनाऊंगी तब पता चलेगा। खुद भी बना सकते, अब मुझे लग रहा है कि सारी जगह से मैं थक हार गई हूँ ढूंढ ढूंढ कर, अब मुझे खुद ही बनाकर खाना होगा। पता नहीं क्यों अचानक कई सालों से इसी टाइम पे क्रेविंग होती है घेवर की। अभी भी धूप कितनी तेज निकली हुई है, मुझे लगता है 8:30-9 तक होता है सनसेट, है ना? ये आजकल तो समर में ऐसे है, अच्छी खासी सनलाइट है और सूर्य देवता ये नजर आ रहा है। बहुत दिन हो गया था मंदिर के, मुझे तो लग रहा था जैसे ये बहुत दिन हो गया था, काफी टाइम हो गया। उधर वाले में जाना है, उधर तो पानी नहीं बन रहा, नहीं जर्सी वाला बन गया पूरा। कोई नहीं, बनेगा तो वहाँ भी निकल लेंगे। मुझे लगता है वीक डे से ज्यादा वीकेंड हमारा बिजी हो जाता है। आजकल वही है, इतना रहता है कुछ ना कुछ वीकेंड में, ग्रोसरी रहती है पहली बात तो, दो जगह ग्रोसरी करनी है उसमें भी टाइम जाता है, इसके बाद फिर कुछ वो तो आप वीकेंड में टाइम किल करते हो, वो शॉपिंग शॉपिंग हो उसमें भी टाइम लगता है, सफाई होती है या हाउस क्लीनिंग है, ये है बाहर आउटडोर वर्क एक्टिविटी है अगर कुछ तो। इस बार तो रेन नहीं हुई तो इसलिए लॉन मोइंग कम हो गए, इस बार तो कितना कम रेन हुई है। टेम्परेचर बहुत, आई मीन वेदर मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर जब भी मैंने नोटिस किया है कि 90 और 100 डिग्री तक जाता था बारिश हो जाती थी और उसके बाद वेदर एकदम ठंडा, लेकिन अभी बारिश भी हो रही है, एक एक दो दो बूंदे ड्रॉप भगवान जी गिरा रहे हैं। एक दो दिन ठीक हुई थी बारिश थोड़ा बहुत, नहीं तो बाकी दिन तो कमी है। आगे वाली टर्निंग है हमारी, ये थोड़ी है, अगला है ना? हाँ अगले है ना? आप उधर देखो, देख रहे थे कौन सा ये है ना? हाँ ये वाला है। हाँ जी, मंगल मंदिर। अरे वाह,
तस्वीर नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं है। ये है गाइस मंदिर, मंगल मंदिर के नाम से फेमस है और पूरा ये नॉर्थ स्टाइल का ही मंदिर है, तो और भी अपने वाली फीलिंग आती है। चलिए फिर अंदर चलती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे थोड़ी देर में उसकी आरती का भी टाइम हो जाएगा, अगर सेम टाइम होता है तो जैसे पहले वाला। हाँ जी, लग ही नहीं रहा कोई है। शूज निकाल दो, बहुत शांति है। मंदिर में भगवान जी के दर्शन अच्छे से हो गए और आरती हो चुकी थी तो हम लोग थोड़े लेट हो गए। हमें पुराना याद, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे। हम तो साढ़े सात, लेकिन सात और वीक डेज है इसलिए शांति है। हाँ यार, तो भीड़ वीकेंड की ही होती है। वाह, वेदर कितना अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है ना। बंद होने का भी टाइम हो गया तो इसलिए अब हम लोग भी निकल रहे हैं। हवा अच्छी चल रही है, अचानक स्टार्ट हो गई है। नहीं, अब मंदिर थोड़ा छोटा लग रहा है और मंदिर का जो एरिया है काफी बड़ा है। ये पूरा इधर है, सॉरी एक मिनट इधर दिखा दूं। इधर पूरा जितनी पार्किंग दिख रही है वो मतलब नवरात्रि और किसी फेस्टिवल में अच्छी खासी भीड़ होती है। ये बाद में लिया वो पार्किंग इधर वाला ना। हाँ, अच्छे से दर्शन हो गए, पंडित जी से पंडित दानी से बात भी हो गई हम लोगों की। नए पंडित जी आ गए ना। हाँ, अब नए पंडित जी आ गए यहाँ पर। पुराने वाले भी आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, नए वाले से भी मेल मुलाकात हो गई। एक बार और मंदिर देख लीजिए, पूरी पार्किंग में दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक ये और एक वो। पूरी खाली है, वाइट वाइट दिख रहा। हमारे टेंपल का रास्ता भी कोई वादी से कम नहीं है। है ना, ये वाला दूसरा वाला रोड लिए आए थे हम, दूसरे से आ जा रहे हैं, दूसरे से। ड्राइवर की अब बात कर रहे थे, ये यहाँ गाड़ियाँ पार्क है, इससे नीचे जाते हैं, खड़े भी हैं। फिशिंग करते हैं, फिशिंग देखो, बंदर फिशिंग के लिए बेस्ट है। ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ है जैसे लग रहा है। हां, देखो वो कैनोइंग कर रहा है। हाँ दिख रहा मुझे, अब नहीं दिख रहा, लग रहा जैसे कि जंगल में हम लोग जा रहे हैं, जंगल के बीच में, क्योंकि रोड काफी पतली है और जो पेड़ वगैरह हैं काफी घने हैं। एक टाइम था जब मैं इस वाले जिम में आया करती थी, छूटा तो छूट ही गया एकदम ना। शुरू कर लो। तो गाइस ये है हमारा जिम, मतलब कभी तो हुआ करता था, अब तो नहीं आती हूँ। YMCA और ये बन गई नई कम्युनिटी। यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ चेंज हो गया। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और अभी हो रहा 8:30 और श्री खाते हैं 6:37 तक उनका डिनर हो जाता है। आज हो गई है देर, तो मैंने साथ ही साथ खाना भी उनका लगा दिया है और मैं अपने लिए चाय चढ़ाई हूँ। वैसे चाय वो भी पियेंगे लेकिन पहले अपना डिनर करेंगे। अभी गए हैं ऊपर चेंज करने, तो एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, उनका डिनर रेडी हो गया है। सो उनका मैंने डिनर लगा दिया है, ये फ्रोजन रोटी है और ये सब्जी मैं बना कर गई थी, दाल थी पहले से, और अभी आकर मैंने फटाफट सैलेड काट दिया, तो मैं उनके चेंज करके आने से पहले लगा देती हूँ। और इधर मेरी चाय भी बन रही है, तो चलिए मैं डिनर उनका लगा देती हूँ टेबल पर और चाय छान लेती हूँ, फिर आप लोग को ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मैं निकली हूँ घर से और जा रही हूँ पास के ही स्टोर में। एक्चुअली मेरे पास ढेर सारे रिवार्ड और खोल्स के वो आ गए हैं, क्यूपन्स, तो मैंने सोचा चल के यूज़ करके आती हूँ, कुछ मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो एक राउंड मार लूँगी, देख लूँगी क्या नया आया हुआ है। और जितना मेरे पास वो कैश रिवार्ड आया है उसी लिमिट में मैंने सोचा कुछ मिल गया तो बाई भी कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये वाली जैकेट बहुत फैशन में है, सेपरेट भी आता है और पूरा सेट भी आता है, तो इसका प्राइस देखती हूँ, $45 का एक, काफ़ी कुछ कलरफुल दिख रहा है। और ये वुमेन्स सेक्शन है, A few moments later. Hi guys,
अभी लौट कर मैं आई हूँ और मैंने सोचा आते ही सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगी क्या मैं लेकर आई हूँ। जो भी मेरे पास रिवॉर्ड मनी थी, ये तो नहीं कहूंगी कि उसके अंदर ही ले आई हूँ, बस थोड़ा बहुत लगा है, ज्यादा नहीं लगा है और ज्यादा सामान भी नहीं है, बट यूज हो गया है तो दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले ये एक शॉर्ट्स लेकर आई हूँ, स्लिप वेयर है और ये है जेंट्स के लिए, कॉटन का है तो इसलिए बेस्ट। और एक ये मैं लेकर आई ड्रेस, इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा और कॉटन का फैब्रिक है, समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैं एक ले ली। बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग, मैंने कहा और काम में लग जाऊं उसके पहले ये दिखा दूं नहीं तो भूल ही जाऊंगी। सो गाइस, हमारा लैपटॉप हो गया था खराब एडिटिंग करते करते, सो आज हमने बाई किया कॉस्को से मैकबुक, तो चलकर घर पे इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है। सो गाइस, अब मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ अपने मैकबुक एयर की। मैं इसलिए हंसी क्योंकि इनका मुंह लटक गया इनका जेब ढीला कर दिया मैंने ये सब तो खैर जोक सपाट था, लेकिन अभी मैं लेकर आई हूँ अपना मैकबुक एयर और इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। और उससे पहले आपको बता दूं इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला लैपटॉप था बहुत प्रॉब्लम कर रहा था रेंडरिंग में भी, मतलब एक बार करो दो बार तीन बार मतलब इरिटेट करने लग गया था, ना अच्छे से डाउनलोड हो रहा था, ना रेंडरिंग हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो फिर आज हम गए और कॉस्को से ये बाय करके लेकर आए हैं और कॉस्को में बहुत अच्छी डील चल रही है, अब आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कॉस्को की कितनी बड़ी फैन हूँ। और ये मुझे काफी सस्ते में मिल गया, इवन एप्पल स्टोर में भी एक्सपेंसिव है। और आगे का प्राइस और डील डाल के बारे में अब ये बताएंगे, सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ इसकी। 1 2 3 और ये बॉक्स जो है ग्रे, ये क्या बोलते हैं इसको, खाकी वाला, ये उसका कॉस्को की पैकिंग है ये वाली। ब्रूनो भी आ रहा है, किधर से ओपन होगा भाई, हेल्प कीजिए तुम्हारा पैन देखो कहाँ से ओपन होगा, ये देखो ये यहाँ से स्टिकर लगा दिखा रहा है यहाँ से, बताओ बॉक्स खोलना तो आ नहीं रहा। अच्छा ये कौन है, एक और ओके ओ सॉरी अब इतना खुश हो गया ये दिख भी नहीं रहा अगल बगल कौन है पढ़ाई के टाइम तो ये सब था नहीं हमारे, हम कॉपी पेंसिल वाले हैं, ओल्ड स्कूल वाले। दैट्स नाइस, खोलिए जरा मैं दिखा देता हूँ। ये है चार्जिंग के लिए और ये इसका ब्रिक है, थैंक गॉड ब्रिक तो दिया, इसको भी ओपन कीजिए ना। कैसे देगा ब्रिक, मुझे डर भी लग रहा नहीं नहीं क्या है। नाइस, ऑन भी हो गया, ऐसी है मेरा MacBook Air। अब इस पर होगी धड़ाधड़ एडिटिंग, धड़ाधड़ एडिटिंग। हाँ, yeah, so basically ये लेटेस्ट वाला है, M3 चिप है और इस समय M3 का प्राइस और M2 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, कॉस्को इतनी अच्छी डील लगाया है इस पे कि मुझे लगा कि M3 इज बेटर ऑप्शन। सोचो ये एप्पल स्टोर से भी सस्ता पड़ा है, तो जिसको भी अगर जैसे अपग्रेड करना हो तो दिस इज राइट टाइम, क्योंकि $200 वो ऑफ दे रहे हैं और $50 उनका वेयर हाउस प्राइस ऑलरेडी ऑफ। तो या जिसको भी अभी लैपटॉप बाय करना है तो मैकबुक कॉस्को से बाय कर ले, और अभी ये 800 कितने में मिला, 850 का मिला है M3 जो 1100, अगर एप्पल में जाओगे तो 1100। पीछे से ब्रूनो पानी पी रहा है, उसका साउंड आ रहा yeah, so I think based on जो भी मैंने देखा है एनालिसिस की, इसमें प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए क्योंकि M3 की प्रोसेसिंग काफी अच्छी है। कॉस्को का प्राइस तो बता दिया हमने, सेल में कितने का है, सेल कॉस्को में इसी महीने तक है, 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक है। तो अब कितनी वीडियो डालोगी पर वीक, पर वीक तो एक ही जाएगी मुझे लगा तो वीडियो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाली हो। नहीं ओके, तो तुम्हारे व्यूअर्स जो है वो एक्साइटेड रहेंगे, नए लैपटॉप पे आएगा एडिटिंग हो के और ज्यादा उसमें थोड़ा तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, एनिमेशन यूज मजा तो मुझे आएगा, उन्हें तो सेम वीडियो जाएगी नहीं, ना उनमें अब तुम और ज्यादा कलाकारी करोगे, ज्यादा वो इफेक्ट डालोगे। सो यही था, मैंने सोचा आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर जिसको बाय करना है इस टाइम पे राइट टाइम है बाय करने का, कॉस्को की डील एप्पल स्टोर से भी बेस्ट डील है। कॉस्को का एक चीज मुझे और भी अच्छा लगता है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करो और इसकी भी कोई वारंटी होती है, उनकी वारंटी डबल हो जाती है मैन्युफैक्चरर जो भी वारंटी है, जैसे एक साल की एप्पल की वारंटी होगी अगर आई थिंक तो कॉस्को उसको डबल कर देता है। सोने पे सुहागा। गाइस, अभी हम लोग आए हैं बेस्ट बाय में, हमारे होम थिएटर का जो प्रोजेक्टर है उसका फिल्टर खराब हो रहा है आई थिंक, तो उसी का पता करने आए हैं कि क्या कैसे है,
और मिल गया तो बाय भी करेंगे। फ्री वहाँ इंक्वायर करने में लगे हुए और ये लोग आपका ना होम थिएटर बनाने में पूरा सेटअप करने में भी हेल्प करते हैं। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे पीछे दिख रहा पूरा होम थिएटर बना हुआ है। ये चेयर्स लगी हुई है, सामने स्क्रीन है और ये प्रोजेक्टर लगा है। और रूफ को देखिए कितने अच्छे तरह से इन्होंने ना वो किया है, कस्टमाइज किया है, स्टार की तरह फीलिंग आ रही है। छोटा सा थिएटर है जो कि घरों में होता है। थिएटर का जो भी इक्विपमेंट होता है ये यहाँ पर ऐसे ना अलमीरा टाइप बना कर और अरेंज किया हुआ है। हमारा जो प्रोजेक्टर है हमने यहीं से बाई किया था, बेस्ट बाई से, और उस पर कुछ वार्निंग आ रही है, एक्चुअली ख़राब नहीं हुआ, वार्निंग आ रही है कि रिप्लेस करो। तो वही हम पूछने आइडिया लेने आए हैं कि क्या कैसे और कहाँ से बाई करेंगे, यहाँ मिलेगा या कहीं ऑर्डर करना पड़ेगा ऑनलाइन। श्री आ रहा है, क्या हुआ, काम हो गया? काम तो मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने। हाँ, यहाँ पे वो पार्ट्स नहीं बेचते हैं तो हमको अमेज़न से ही या कहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा, या पर मैंने उससे जानकारी ले ली। ओके, मुझको तो बोल रहा है कि आप प्रोजेक्टर ही अपग्रेड कर दो, बहुत हाई क्वालिटी है। कितना लगाना कहते हैं? 6 grand। मैंने कहा इतने में तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लगाई थी, आई एम नॉट स्पेंडिंग 6 grand राइट नाउ। ओके, तो वो यहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन है। या मैंने भी देखा, ड्रोन देखा और वो रोड का वो भी है। माय गॉड, हाउ मच एक्सपेंसिव है, 3000 रोड का है वो वायरलेस वाला। yeah. वो बोल रहा था इनके यहाँ कितने में है? 200-300 जैसा लो आप, डिपेंडिंग लाइक टू स्पीकर। और वो कह रहा था रोड बेस्ट है। हाँ, टू स्पीकर $200 के हैं, थ्री स्पीकर $300 के हैं। और ये तो बेस्ट टू होगा, ट्रांसमीटर, अच्छा ट्रांसमीटर के साथ होगा। ये बेस्ट क्वालिटी होंगे ना ये ड्रोन, सस्ते भी हैं, टाइम पास वाले उस साइड में। बड़े यूट्यूबर बन जाओगे फिर। लेकिन वही है ना, बहुत उधर चले जाओ, सबसे सस्ते हैं बच्चों के खेलने के लिए। कंपनी भी देखो ना, कंपनी सेम है, DJI। ओके, मुझे तो वो अच्छा लगता है, पॉकेट कैमरा। GoPro है क्या है? ये पॉकेट $400। हाँ तो गिफ्ट कर दो ना, उसमें क्या है? गिफ्ट कर दो आप मुझे। एक बार कैमरा शुरू में मांगी थी, अब आज मांग रही हूँ 28 साल बाद। बेचारे सोच में पड़ गए, सोचो नहीं आप, जाने दो, चलिए निकलते हैं। देखो आप कितने हाई फाई लेंसेज हैं, इनके बारे में तो हमें कोई जानकारी भी नहीं है। कैमरा ये है, ये रखे हुए हैं रोड वाला, हमें वहाँ पे भी दिखता है अमेज़न पे भी। हाँ तो एक्सपेंसिव है, कभी कभी थोड़ा बहुत डील आती है, $10-15 ऐसे, इससे ज़्यादा डील दिखती नहीं। अच्छी चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। अच्छा भाई साहब, हम यहाँ से निकल रहे हैं बेस्ट बाय से, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और हमें वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। आप कर देंगे अमेज़न से? फिल्टर तो बहुत चीप है, फिल्टर इज़ वेरी चीप, बल्ब जो है थोड़ा महंगे। अच्छा, बल्ब और फिल्टर दोनों लगेंगे? यस, दोनों का वार्निंग आती है। 4-5 साल हो भी गया, ज़्यादा हो गया, 3000 घंटे चलते हैं नॉर्मली, तो हमने तो ज़्यादा लगा लिया। सारे इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली और ये वाली वीडियो मेरी 3 दिन से बन रही है। तो आज की मैं मेरी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइज एंड हैव अ गुड डे।